अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूज़ कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग अल्लाह ताला के फजल करम के साथ करते हैं शुरू। तो आज हम आपको दिखलाते हैं कि चावल की काश्त के लिए जो ज़मीन हमवार की जाती है वो कैसे की जाती है। हल चला रहे हैं भाई, तो आपको भी शेयर करते हैं आपके साथ भी कि वह हल कैसे चलाया जाता है, वो कैसे जो है ना हमवार की जा रही है चावल के लिए ज़मीन को। जी व्यूज़, ये देखिए भाई हल चला रहे हैं, दिखाते हैं आपको हल चलाते हुए। ये देखिए ये देखिए जो बगले हैं कीड़े मकोड़े बिच जो है ना खाने के लिए बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ये देखिए आ रहे हैं हमारी तरफ। ये है जी, इधर कुछ फसलें बीजी हुई हैं जानवरों के लिए चारा, और साथ इधर जो अमरूद का बाग लगा रखा है ये देखें, ये वाला अमरूद का बाग है। और ये वाला जो डेयरी फार्म है हमारे गांव का, ये देखिए यहाँ जो बेंचें रखी हुई है और गाय वगैरह रखा है दूध के लिए। ये देखिए ये जो है ना ज़मीन ऐसे हमवार की जा रही है, और तकरीबन एक माह बाद इंशाअल्लाह रहमान चावल की काश्त की जाएगी। कुछ लोगों ने तो कर भी ली है, लेकिन हमारे तकरीबन एक माह बाद जो है ना सही मानों में चलती है। तो जब चावल की काश्त की जाएगी इंशाअल्लाह वो भी हम आपको दिखलाएंगे। ये अभी इब्तदा में जो है ना तैयारी कर रहे हैं ज़मीन की, अभी इसके अंदर बहुत चीज़ें डालनी है, खादें वगैरह और साथ क्या उसको बोलते हैं पानी लगा कर इसको तो ज़मीन को मजीद नरम किया जाता है। ओके सर,
देखें ये इसकी तैयारी हो गई है मुकम्मल, अब दूसरी जमीन में जा रहे हैं। ये देख हाँ जी, ये दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाना है और साथ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमें बहुत लाभ रही है। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने भी लोगों के इख्तिताम। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल को मुलाकात होगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो।